हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं रेडी हुई हूँ सोमवती अमावस्या, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था। तो ये एकदम सुबह का सीन है। आई थिंक 5 बज रहे थे और एकदम अंधेरा था। यहाँ पर काफ़ी भीड़ ऑलरेडी लग चुकी थी जब हम पहुँचे। एंड इसके बाद हमने पूजा स्टार्ट करी। एंड पूजा के बाद ये क्लिप्स हैं। इस मतलब पूजा करते करते हमें 8 बज गए थे। हम 5 बजे के गए थे और 8 बज गए थे। फाइनली मैं पूजा करके आ चुकी हूँ और अभी रूम में मैंने सारा मेस क्रिएट कर दिया है, बहुत सारा सामान फैला दिया। तो चलो अभी सारे काम फटाफट करके फ्री होके फिर आप सबसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ, मतलब फ्री हो गई मैं पूजा पाठ करके सब कुछ। और मैंने फेस पे धुल लिया बिकॉज सुबह ही हम गए थे 4:30 बजे। उस टाइम मैं कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं कर सकी थी बिकॉज मुझे लेट भी हो रहा था। और अभी घर पर आए, पूजा पाठ की, 9 बज गए हैं, अभी एग्जैक्ट 9:15 हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पीऊँगी पानी एंड उसके बाद मैं कुछ फ्रूट्स काटूँगी मम्मी के लिए भी और मैं भी खाऊँगी। एंड देन उसके बाद खाने की प्रिपरेशन करेंगे। और हाँ, आज खाने में ना अरहर की दाल नहीं बनाते हैं और दूसरा सरसों का तेल यूज़ नहीं करते हैं एंड रुई की बत्ती यूज़ नहीं करते हैं, अवेरी नहीं भी दे पाते हैं। तो आप ये चीज़ें ज़रूर फॉलो कर सकते हैं बिकॉज अमावस्या के दिन ये 3 चीज़ें छूना वर्जित होता है। मूली भी नहीं खाना चाहिए, मुझे याद आ गया, मूली भी नहीं खाना चाहिए। सो सबसे पहले मैं पीऊँगी पानी एंड उसके बाद स्प्राउट्स खाऊँगी, फ्रूट्स खाऊँगी। एंड देन खाने की प्रिपरेशन में आज बनने वाली है कद्दू की सब्जी एंड उड़द की दाल। सो गाइज, इसके बाद मैंने अपना जो है वो फ्रूट्स खाए एंड स्प्राउट्स खाए। आराम से मैं और मम्मी बैठ करके टीवी देखते हुए हमने एंजॉय किया, थोड़ा सा रिलैक्स किया। देन उसके बाद मैं जो है वो खाने की प्रिपरेशन में लग गई। तो आज खाने में मैं बनाने वाली थी उड़द की दाल, कद्दू की सब्जी। आज बहुत ही सिंपल बेसिक रेसिपी था, चावल और बथुए का रायता एंड रोटी। सो आज क्योंकि बहुत बहुत से लोग ना आज के दिन नमक नहीं खाते हैं, बट हम तो खाते हैं नमक। और बस लहसुन प्याज हमें नहीं खाना था और जो जो चीज़ें मैंने बताई कि आज वर्जित हैं, जैसे कि अरहर की दाल, सरसों का तेल, तो ये सब चीज़ें हम नहीं बनाएंगे। इसलिए आज का खाना बहुत ही सिंपल और बेसिक था। तो फिर बस उसके बाद मैं खाने की प्रिपरेशन में जुट गई। सो गाइस, यहाँ मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी, क्योंकि आज सब्जी बहुत ही सिंपल बनानी थी और मस्टर्ड ऑयल में नहीं बनानी थी, तो इसलिए आज मैंने टमाटर डाला। कई बार कद्दू की सब्जी हम एकदम सिंपल बनाते हैं और कई बार टमाटर डाल कर भी बनाते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर मिर्च और पंचफोरन डाल करके एंड टमाटर मैंने कट कर लिए थे वो डाल करके धनिया पाउडर डाला, हल्दी और नमक। एंड इसके बाद हमने जो सब्जी कटिंग की थी वो डाल दी। बस सब कुछ हला करके ढक करके रख दिया और 10 मिनट में हमारी सब्जी जो है वो रेडी हो गई। और ये बना रही हूँ मैं बथुए का रायता। तो इसके लिए मैंने दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है और इसमें
काला नमक, सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला और हरी मिर्च और धनिया, ये सारी चीज़ें डाल करके हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। और बथुए की पत्ती को अच्छे से धुल करके मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिया है और उसको मिक्सर में पीस करके इसमें हम मिक्स कर देंगे। बस हमारा बथुए का रायता जो है वो रेडी हो जाएगा। सो गाइस, फाइनली मेरा खाना बन करके रेडी हो चुका है। सब्जी बस पक रही है, तो सब कुछ हो गया है। फाइनली फीलिंग सो टायर्ड। और अभी हमारे यहाँ धूप भी आई है, जो कपड़े प्रेस करने आते हैं, तो जो भी आज फेरी देते हैं ना, वो सारा सामान हम धोबिन को देते हैं। तो चलो, अपने हाथ से जो भी हमने फेरी की होती है ना, वो सारा सामान दान देना होता है, तो वो आ गई हैं, तो चलिए उनको दे करके आते हैं। सो गाइज, यहाँ पर जो धोबन है वो सिंदूर लगा रही हैं, तो हमने जो भी श्रृंगार का सामान और जो भी फेरी में जो भी चीज़ें यूज़ की हैं ना, वो सब हम इनको दान में देते हैं और दक्षिणा वगैरह भी देते हैं। और उसके बाद ये हमारी मांग भरती हैं सिंदूर से, और हमारी शादी वाले सिंदूर से ही। सो आई थिंक ये एक रिचुअल है। और आप सब क्या होता है कि नहीं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो गाइज, मैं यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल सूप बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ढेर सारे वेजिटेबल्स को लेकर के बॉईल कर लिया है। एंड इसी के साथ, ये इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो चाय बनाई है मैंने, और चाय के साथ मैंने लाई जो है वो हमने सर्व किया है भुन करके। अब मैं सर थोड़ा सा भारी लग रहा था, बिकॉज़ मैं आज दिन में सो गई थी। सो सूप बनाने के लिए हमने सारे वेजिटेबल को, स्पेशली टमाटर, चुकंदर, गाजर और शिमला मिर्च, सब कुछ एक साथ हमने बॉईल कर लिया था, और इसको हम पीस करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और अगर आप इसमें गार्लिक डालो तो टेस्ट और अच्छा आता है, बिकॉज़ आज हमें गार्लिक यूज़ नहीं करना था, इसलिए हमने नहीं डाला। और जो प्याज का साग आता है, स्प्रिंग ओनियन, वो भी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस जिस पानी में हमने बॉईल किया था, वही पानी डाल करके हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। इसमें सॉल्ट, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च एंड बस ये सारी चीज़ें डाल करके, और हाँ, एंड में हम इसमें बटर डालेंगे, और बटर डालने के बाद फिर हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे और पियेंगे। तो आज मैंने पिया सूप, क्योंकि मेरा सर भी थोड़ा सा भारी हो रहा था, तो पीने के बाद काफ़ी रिलैक्स हुआ, अच्छा लगा। और साथ ही मैंने डिनर की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी, तो इसके लिए मैंने आज बनाई है ननुआ की सब्ज़ी, बिकॉज़ वो एकदम सिंपल सब्जी है, अच्छी भी लगती है। तो बस सब्जी, ननुआ की सब्जी यहाँ मैंने छौंक दी है, और हमारा सूप भी रेडी हो गया, तो चलिए गर्मा गर्म इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये हमने सूप की प्लेटिंग कर ली है, और चलिए अब यम्मी यम्मी सूप पीते हैं। सो गाइस, आज का खाना बहुत ही सिंपल था, क्योंकि बिना लहसुन और प्याज के बनाना था, इसलिए भी। तो दोपहर में मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, आई डोंट नो वाई, मुझे बहुत नींद आई, मैं सो गई, भी नहीं कर पाई। तो हम सुबह ही उठे थे आज 4:30 बजे, और 5 बजे हम वहाँ गए थे पीपल के पेड़ के पास परिक्रमा करने, जो कि यहाँ से पास में ही है। एंड उसके बाद मैं आई, फिर हमने पूजा पाठ की, घर के और सारे काम किए, पूरे दिन का रूटीन, शाम को चाय पी एंड अभी सूप पिया, थोड़ा सा रिलैक्स भी फील हुआ, बिकॉज थोड़ा सा सर भारी हो रहा था। और दोपहर में मैं जल्दी सोती नहीं हूँ, बट आई डोंट नो वाई, मुझे क्यों इतनी नींद आ गई और मैं सो गई। और दोपहर की नींद अगर आप ले लो ना, तो सर थोड़ा सा भारी लगता ही है। किस किस के साथ लगता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज मुझे तो लगता है, इसलिए मैं दोपहर में सोना एकदम अवॉइड करती हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई, शायद सुबह ही उठी थी। रात भर थोड़ा सा ना, जब मुझे कहीं नेक्स्ट डे जाना होता है ना, तो मुझे रात भर नींद नहीं आती है, तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है इसलिए भी। सो चलिए, आज के व्लॉग में मैंने यही सारी चीज़ें दिखाई कि मैंने क्या किया। होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यू रियली एन्जॉयड दिस व्लॉग, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।